एक नारी 100 पे भारी और हुआ भी है। हम लोग बोला था कि मोदी जी आप यहाँ पे रहो, 2 तारीख को हरा गुलाल खेल के जाना, हिम्मत नहीं था उसका हरा गुलाल खेलने का। आज जो देश को बांटने के लिए, बेचने के लिए, माँ बहन को इज्जत लूटा जा रहा है पूरा यूपी से बिहार तक, वो जो बॉडी तालाब में भसते हुए, वो रिवर में भसते हुए बंगाल तक आ रहा है। हम तो बीजेपी का हर कर्मकर्ता को बोलेंगे, आप लोग भाजपा करते हो, आप लोग बिहार चला जाओ, यूपी चला जाओ, मर जाओ वहाँ पे, तुम्हारा डबल इंजन का सरकार चल रहा है, तुमको फेंक देगा तालाब में वहाँ पे। राज्यपाल मर गया, सीबीआई बिल में घुस गया, कहा गया इन वहाँ लाखों लाख आदमी जलाए जाते हैं, कुत्ते लोसते हैं लाश को। मोदी जी जब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में उनको चाहिए उनका सपोर्ट उस टाइम में, जो ताकि मैं उसका 4 सेना उठा लूं तो कमजोर पड़ जाएगा, पर मोदी जी नहीं, अब 4 उठाओ या 10 उठाओ, ममता दीदी की लाठी पे आवाज। हिंदुस्तान में स्वागत है, मैं इस समय घुसे में हूँ, हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। आप जैसा कि जानते हैं यहाँ MLA का एक ऑफिस दिखा दीजिए, ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, यहाँ से सभी सेवा प्राप्त होगी, MLA का जितने भी सर्टिफिकेट्स वो मिलेंगे। और अभी चूंकि कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस का मामला है, तो सैनिटाइज़र मास्क वगैरह भी आप यहाँ से पा सकते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हुआ है। नाम बताइए अपना। दिवाकर चक्रवर्ती। दिवाकर दा, ये बताइए कि आज ये जो ऑफिस आप लोगों ने खोला है उसका क्या मकसद? हम लोगों का ये बाली क्षेत्र से हमारे जो MLA हैं डॉक्टर राणा चटर्जी, उनका बैठने के लिए हम लोग आज ये ऑफिस खोले हैं। आम जनता के लिए आज जो ओपन खोला हुआ है, आज इस मुसीबत के दिन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व पे और उसके उनका जो रिक्वेस्ट है उनकी तरफ से, आज डॉक्टर बाबू हम लोगों को निर्देश दिए थे कि जगह जगह पे हम लोगों का बैठने की ऑफिस खोलो, वहाँ से ऑक्सीजन मास्क सैनिटाइज़र सब डिस्ट्रीब्यूट करो। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी किए हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग का ये एक ही महीने के अंदर हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप भी होने वाला है। तो सब तरफ से आदमी के साथ हम लोग खड़ा होकर काम करने के लिए आज हम लोग इस ऑफिस को उद्घाटन करवाएं। डॉक्टर बाबू खुद अपना हाथ से मास्क सैनिटाइज़र छोटा छोटा बच्चा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पैंडेमिक टाइम है, इस पैंडेमिक टाइम में पूरा विश्व में ऐसा फैल गया है कोरोना वायरस, जो सेकेंड वेव आया है, इस सेकेंड वेव में हम लोग लड़ने के लिए डॉक्टर बाबू जैसे एक जन MLA, ईमानदार, सच्चा ईमानदार और अच्छा आदमी, जो ममता बनर्जी के चुनाव को जीतते हुए हम लोग आए हैं, और हमारे यहाँ पे तमाम आदमी जो डॉक्टर बाबू को साथ लेके कुछ अच्छा काम के लिए उनको उम्मीद रख के आज बुलाए थे हम लोगों के साथ, वो आए थे खोल के मिल के छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलने लग गया है। तो ये जो अच्छा है, जो छोटा छोटा बच्चा के मन में भी डर है कि हम लोग मास्क क्यों पहन रहे हैं, उन लोगों को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर बाबू उनको हाथ में लेके गोद में लेके उनको कोई डर नहीं है, बच्चा के लिए भी डरने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए गोदी में लेके उनको मास्क खुद से अपना हाथ से पहना रहे, सैनिटाइज़र करवा रहे, उनको बोल रहे हैं, उनसे उनको हर तरह से उनको मदद किया जा रहा है। तो हम लोगों का ममता बनर्जी के जो सोच है, हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इलेक्शन हुआ है, तो हम लोगों का जो सोच है, हम लोग बोले थे कि जीतेंगे तो हम लोगों को इंसान देखेगा, हम लोग रास्ता पे आके काम करेंगे और आम इंसान के साथ खड़ा रहेंगे। जो आज हो रहे हैं तो आज ये प्रैक्टिकल है कि हम लोग इंसान के साथ है, हम लोग को इंसान देख रहा है, लेकिन देखिएगा जो मोदी जी जहाँ से दिल्ली से आके पूरा बंगाल को हेलीकॉप्टर से हवा उड़ाते उड़ाते गया है, पैंडेमिक में इतना जो भयंकर फैला के गया, 2 लाख आदमी जो आज भी CRPF आके यहाँ पे बसा हुआ है, उन लोगों को कोई मदद नहीं है, हमारा 4 मिनिस्टर को उठा लेते हैं, पैंडेमिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, हमारे राज्यपाल पश्चिम बंगाल के सबसे तकलीफ होता है, आम इंसान के लिए खड़ा है TMC पार्टी और हमारे MLA साहब, हमारे मुख्यमंत्री जो अम्फान के लिए कल भी हम लोगों के साथ मीटिंग किया गया है, हम इस वार्ड के प्रेसिडेंट होते हुए भी हमको बोला गया है कि वार्ड में जब वो साइक्लोन आने वाला है 2 दिन के अंदर में, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना होगा, पूरा टीम को भी तैयार रहना होगा, हम लोग रास्ता में खड़ा हैं, हम लोग रास्ता में काम कर रहे हैं, हम लोग
अम्फान में भी काम किए थे, हम लोग साइक्लोन जो आ रहा है जस उसके लिए भी काम करेंगे, हम लोग को रात दिन आप लोगों को नज़र में आएगा, हम लोग काम करेंगे। लेकिन आज जो मोदी जी का जो सेना, जो बानर सेना पूरा बंगाल में तंडम मचा के रखा था, वो लोग घर में घुस गया या तो देश छोड़ के कहीं चला गया होगा, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग था, हम लोग है और हम लोग ही आम इंसान के लिए काम करेंगे। ये थे दीपंकर साहब और इन्होंने अपने बातें रखी और उन्होंने कहा कि जो हमने पार्टी ने वादा किया था जीतने के बाद जो करने का, इन्होंने काम शुरू कर दिया और आप देख रहे हैं उसका नतीजा है कि ऑफिस यहाँ बना है। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है बदुद्दीन साहब, आप बताइए कि ये यहाँ से आप क्या सेवा देंगे लोगों को। सबसे पहले बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जो बदतमीज प्रधानमंत्री, बदतमीज बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने आकर बोला 2 मई दीदी गई, अब वो हार कर बुरी तरह फेल हो गया, आज तक कोरोना के लिए कोई वैक्सीन कोई दवा कुछ भी करने नहीं पाया। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने सीएम ममता बनर्जी को, जिन्होंने बंगाल में हर पल हर वक्त काम करते ही नज़र आया। इसके काम को देखकर डर गया है मोदी और पूरा बीजेपी सरकार। आज वो जिस तरीका से सीबीआई को कंगारू की तरह अपने पेट में रख के यहाँ भेज रहा है डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि कल बंगाल में ये ना हो कि यहाँ से कोरोना कम हो गया। कोरोना बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्टैंडअप किया है, जो हमारे 4 आदमियों को अरेस्ट कराया है इनलीगल तौर पर, इसका कोई जूझ नहीं था जिसे वो अरेस्ट किया जा सके। दूसरी बात, आज ममता बनर्जी जी ने जो जो काम कर रही हैं, जो उनके सैनिक काम कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में बंगाल एक वाइस देश है जहाँ पर हर पल लोगों के लिए सोचती है ममता बनर्जी, उनके सैनिक और कहीं नहीं। आज देखिए यूपी में राष्ट्रपति मर गया, राज्यपाल मर गया, सीबीआई बिल में घुस गया, कहा गया आइन, वहाँ लाखों लाख आदमी जलाए जाते हैं, कुत्ते लोचते हैं लाश को, मोदी जी नहीं है, सीबीआई नहीं है, सब जिनको डरवाना है हम तुमको प्रमोशन दे देंगे। बाबरी मस्जिद केस में देखिए जो क्या बोला जज को, प्रमोशन दे के दिल्ली पहुंचा दिया, हम फैसला हक में देंगे। क्या हक में दिया फैसला बाबरी मस्जिद का, इतना ज़मीन तुम ले लो इतना तुम ले लो। आज जो बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान को सत्यानाश कर रहा है मोदी, मैं पूरा जनता से आह्वान करूँगा कि उसको उखाड़ फेंके। और रहा ममता बनर्जी की बात, आज डॉक्टर साहब जीते 2 मई, दीदी तो नहीं गई, आया उनका सैनिक, बच्चा का डॉक्टर, डॉक्टर राणा चटर्जी, आते देर नहीं उन्होंने काम में लग गया। 7 नंबर वार्ड के हमारे काउंसलर सीमा भौमिक जी नहीं आई, वो मैंने उनका एक लड़का हुआ नहीं आई, तो उनका हस्बैंड हर पल इलाके में साफ सफाई, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, उन्होंने डॉक्टर बोले, डॉक्टर साहब का आह्वान है कि हर इलाके में एक ऑफिस खोलो जाके, ताकि वहाँ से हम लोग सेवा दे सके दूसरे को, इसलिए यहाँ ऑफिस खुला, हर कोई सैनिटाइजर मास्क बड़े को मिलता है बच्चों को नहीं। डॉक्टर साहब का आह्वान था कि दीपाकर तुम बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम करो, ताकि बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि हर बच्चा को मास्क सैनिटाइजर दिया गया है, और यहाँ पर आह्वान किया गया है कोई भी बीमार होगा उसके लिए इलाज किया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह जो है ऑक्सीजन मिलेगा। आज ऑक्सीजन के लिए बहुत लोग मर जाते हैं हर जगह में देश में, और बंगाल ऑक्सीजन से पाक है। यहाँ माँ माटी मानूस की सरकार ममता बनर्जी और उसके सैनिक, एमएलए हो, एमपी हो, प्रेसिडेंट हो, काउंसलर हो, या उनके घर से कोई भी पब्लिक, ये उंगली नहीं उठा सकता जहाँ पर काम नहीं हुआ। काम ही ममता बनर्जी को महान किया है, काम के कारण ही आज बंगाल में ममता बनर्जी है। पूरा हिंदुस्तान उतार दिया था ममता बनर्जी को हराने के लिए। शुभेंदु अधिकारी जो जीता है सिर्फ चोरी से जीता है, कब से चोरी नहीं हुआ, ईवीएम मोदी का बाप, इलेक्शन कमिश्नर उसका चाचा, ये जो धनखड़े फनखड़े कौन आया है, राज्यपाल, उसे तो पागलखाना में पहले इलाज कराना चाहिए, अपना दिमाग का इलाज करा लेता तब उसे नज़र आता किस तरह से काम किया जाता है। वो बीजेपी का दलाल, किसी भी प्रेस मीडिया को कहीं भी कोई जनता से पूछिए कि एक राज्यपाल का काम क्या है, कोरोना में क्या करता है, हर जगह मोदी का दलाली, कहाँ ये हो रहा है कहाँ वो हो रहा है। अरे साले यूपी में जाकर देखो ना जरा,
यूपी के बारे में मोदी खामोश, अमित शाह चोर का सरदार, अरे घोटाला के लिए पकड़ना है जयेश जो अमित शाह का लड़का है उसको इंक्वायरी करो कितना रुपया घपला किया, मोदी कितना रुपया घपला किया, ये लोग कंगारू पोस के डमरू बजा रहा जो सीबीआई का, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब जनता जान चुका है, जनता उब चुका है, अब किसी दिन भी इनको जनता ही अंग्रेज की तरह दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा तो फिर ये देश का शुद्धि नहीं होगा। शुद्धि जब ही होगा जब मोदी सरकार जाएगी। आज तक मैं अपने लाइफ में नहीं देखा ऐसा राज कि हर कोई परेशान हो, जनता हो, बच्चा हो, जानवर हो, आदमी हो, सब परेशान। क्यों? मोदी के लिए। और जो बोलता है बस पुलिस पकड़ो अंदर घुसा दो, इसके अलावा कुछ नहीं। किसका क्या भलाई काम किया है? अगला साल कोरोना में कोई आदमी आने नहीं जा सकता रहा। जब कोई गाड़ी सप्लाई दिया है वो भी नहीं किया है, हम नहीं लेगा जो चाहेगा पागल ऐसा। और मोदी का नाम एक्चुअली में दाढ़ी जो रखा है, मोदी के एक्चुअली में दाढ़ी या माने नाथुराम सर रविंद्रनाथ टाइगर बनने की कोशिश किया था, आसाराम बापू भी नहीं होने सका, रविंद्रनाथ टाइगर भी नहीं हुआ। लेकिन मैं बदरुद्दोजान अंसारी ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मोदी का नाम मोदी बिन तुगलक होना चाहिए। तुगलक और मोदी एक ही सोच का है, एक का इतिहास है, एक का जनता गवाह है। इतिहास मोहम्मद बिन तुगलक का है, जहाँ जाता रहा राजधानी चेंज, ये इतिहास है। मोदी पहले आया प्लेटफार्म का नाम चेंज, वो आया चमड़ा का सिक्का चलाया, ये आया 500-2000 का नोट बदली। तो किस चीज़ में मोदी और तुगलक से अलग है? इसलिए मोदी का नाम होना चाहिए मोदी बिन तुगलक, पागल राजा, पागल प्रधानमंत्री। तो मोदी जी ने तो काम किया है, एक बड़ा स्टेचू बनाया है, पार्लियामेंट नया बना रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का जहाज़ खरीदा है, आपको लग रहा काम? मोदी जी अगर पागल नहीं होते तो जनता के लिए और देश के लिए सोचते। वो बड़ा बपौती बना दिया, एक इतना बड़ा स्टेचू बना के खड़ा किया, उस स्टेचू से जनता को और देश को क्या फ़ायदा है? हमें एक बात बताइए, उस स्टेचू से जनता को और देश को क्या फ़ायदा है? और अपने रहने के लिए जो घर बना रहा है उस घर से जनता को क्या फ़ायदा है? अभी ज़रूरत है जनता को कोरोना काल में मदद करने का, तो वो बना रहा है। अब देखिए किसान, हमारा भारत का एक नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन अब क्या है, किसान भूखे मर रहा है, वो बड़ा घूम रहा है बोलता है फकीर है चाय वाला है, फकीर और चाय वाला देश चला गया, देश तो बर्बाद हो गई। अगर फकीर है मेरा क्या, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, झोला उठा, अरे भाई चल जाओ, देश का कल्याण होगा, चल जाओ। उनको जाने देंगे? जाने देगा, उनका चड्ढी खुलेगा, अभी उनका सरकार जाएगा जहाँ तहाँ, उसी भी सीबीआई जो दौड़ा रहा ना, सीबीआई दिल्ली का गुलाम होता है, ये मोदी ना समझे कि उसका बाप का ही गुलाम है, कल वही सीबीआई मोदी को भी खींच के लाएगा। आज जितना आज तक इतिहास में हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को चांस दिया जाता रहा, आज हमारा रक्षा मंत्री जो है तड़ी पार अमित शाह जोगी पागल, हर वक्त उसके इलाके में जितना भी खून खराबा मर्डर कोरोना में आदमी का लाश पड़ा हुआ सड़ रहा, कुत्ता खींच रहा है इसको, देखिए क्या नाम है, मोदी जब से आया रेफल घोटाला, दुनिया घोटाला, सब घोटाला। बाप के राज में कभी उसका कपड़ा नहीं पहना था, प्रधानमंत्री पड़ा लाखों लाख का सूट पहन रहा है। जितना पूरे विश्व में कोई भी नेता इतना दौरा नहीं किया होगा जितना मोदी किया है, विश्व विख्यात है, एक पागल ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है। और मिथुन जो अभी गायब हो गए, कोबरा बने हुए थे, मिथुन आया कैसे? मिथुन आया कैसे? पर ये सोचिए, मिथुन का लड़का एक लड़की के साथ गलत काम किया था तो उसको वो लोग सीबीआई का दिखाया भय, केस का भय दिखाया, तो मिथुन चला गया, मैं कोबरा हूँ, मैं जिता दूंगा। अब कोबरा का ड्रामा ख़त्म, कोबरा गया घर। तो आज जितना चोर है, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, जो भी चोर चला गया बीजेपी में, वॉशिंग मशीन से क्लीन हो गया, सब एक नंबर आदमी हो गया, चोर कोई नहीं है। चोर का मतलब सब मोदी, चोरों का सरदार मोदी, चोर देश को बेचने वाला मोदी, देश का कौन सा चीज नहीं बेचा है? आप प्रेस वाला एक बात बताइए, तो हिंदू का ठेका लेके रखा है। अच्छा, विश्व में तो मोदी जी हिंदू का बाप बन के बैठा है, वो उसी को ही हिंदू सब हिंदू का ठेका लेके रखा है, और हम लोग तो घास काटने के लिए देश में बैठे हैं कि अनपढ़ गवार को जो हिंदू वाला बात लेके जो लोग जो कर रहा है, तो हम लोग तो हिंदू है नहीं कोई,
हम लोग हिंदू नहीं है, एकता नहीं है भारतवर्ष में, इंडिया में जन्म से बड़ा हुआ जो देखा एकता है। हम लोग सब मिलके ब्रिटिश से जो लड़ाई किया गया था उसमें हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब है। कौन इतिहास, अब इतिहास का पन्ना खोल के देख लीजिए। मोदी के जो एक इख्तियार है वो इख्तियार को क्या है कि वोट को भाग करो, देश को भाग करो। कितना काटेंगे, पाकिस्तान को काट दिए, बांग्लादेश को काट दिए, इंडिया को तो अभी जगह जगह पे काटा जा रहा है। एक छोटा छोटा वार्ड जो स्टेट है ना उसको भी काट दो। मोदी जी को आप लोगों के दौरान ऐलान करना चाहता हूँ, या आप एक तो छोटा स्टेट बना लो जिसमें आप खुद रहो और आप लोगों का जो आरएसएस का आदमी है आप लोग रहो, कोई हिंदू नहीं रहेगा। बंगाल का आदमी, बंगाल का आम जनता दिखा दिया है कि ममता दीदी उनके साथ है और ममता दीदी के साथ पूरा बंगाल है। बंगाल का जो बंगाली है, बंगाल का जो हिंदू है, वो लोग ममता दीदी को वोट क्यों दिया है, क्यों ना वो लोग मोदी को विश्वास नहीं कर रहा है। मोदी जैसा गद्दार आदमी को विश्वास नहीं किया जा रहा है कि वो हिंदुत्व के नाम पे विदेश घूम रहा है। 50 कंट्री घूम के आए हैं ये 7 साल में। बंगाल में आज क्यों, आज बंगाल में काहे कूदना पड़ा उनको, पूरा इंडिया में इतना जगह पे इलेक्शन हुआ था। बंगाल में आके 56 मीटिंग, सेंट्रल का मिनिस्टर से लेके लॉ मिनिस्टर से लेके कौन मिनिस्टर नहीं आया जो बंगाल में आके उनका ताकत नहीं दिखाया हो ममता दीदी को हराने के लिए। एक नारी 100 पे भारी, और हुआ भी है। हम लोग बोला था कि मोदी जी आप यहाँ पे रहो, 2 तारीख को हरा गुलाल खेल के जाना। हिम्मत नहीं था उसका हरा गुलाल खेलने का। आज जो देश को बांटने के लिए, बेचने के लिए, माँ बहन को इज्जत लूटा जा रहा है पूरा यूपी से बिहार तक, वो जो बॉडी तालाब में भंसते हुए, वो रिवर में भंसते हुए बंगाल तक आ रहा है। हम तो बीजेपी का हर कर्मकर्ता को बोलेंगे, आप लोग भाजपा करते हो, आप लोग बिहार चला जाओ, यूपी चला जाओ, मर जाओ वहाँ पे, तुम्हारा डबल इंजन का सरकार चल रहा है, तुमको फेंक देगा तालाब में, वहाँ पे रिवर में फेंक दिया जाएगा, और तुम लोग टहलते हुए इधर आ जाना बंगाल में। और डबल इंजन का सरकार दिखा रहा है, गद्दार है कुछ, हर पार्टी में गद्दार है, पैसा के चक्कर में, और सीबीआई सीआईडी ये सब का दिखा के, सीबीआई ईडी दिखा के उन लोगों को बीजेपी में खरीदा गया था, ले गया था। शुभेंदु अधिकारी 1,000 करोड़ रुपया चोरी करके रखा है, कौन नहीं किया, राजीव बनर्जी 1,000 करोड़ रुपया चोरी करके रखा है, चार्टर प्लेन से लेके चला जा रहा है। क्या कोरोना खत्म हो गया था बंगाल में? हर स्टेट में बिहार इलेक्शन के पहले बोला गया था हम लोग फ्री में देंगे क्या वैक्सीन, हम लोगों को जिताइए, बिहार में अभी तक फ्री में वैक्सीन नहीं मिला। बंगाल में बोल के गया जिताइए हम लोग फ्री में देंगे, नहीं दिया गया। भारत में बोला गया था हम लोग देंगे वैक्सीन, अभी तक वैक्सीन नहीं दिया गया है, आदमी को मारने के लिए छोड़ दिया है। और हर स्टेट को बोल रहे आप लोग लॉकडाउन करो, आम इंसान कहाँ जाएगा, आम पब्लिक कहाँ जाएगा, जो दिन में आना दिन खाता है, जो भोजन करता है, वो लोग कहाँ जाएगा? लॉकडाउन तो हो ही जा रहा है, आज गवर्नमेंट का उपाय नहीं है, ममता दीदी क्या है लॉकडाउन, इसको तो देखना चाहिए मोदी जी को, मैक्सिमम वैक्सीन देना चाहिए। वर्चुअल मीटिंग कर रहा है सब सीएम के साथ हर स्टेट में, लेकिन ममता दीदी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्यों दिया नहीं जा रहा है? ममता दीदी को बोलना चाहिए, ममता दीदी को बोलने देना चाहिए कि आज जो बंगाल में आदमी जो प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए हुआ, मोदी जी के लिए। आज 8 दफ़ा में इलेक्शन करवाएं और वैक्सीन देने के बाद हुआ था, वैक्सीन भी नहीं दिया गया है, आम आदमी को रास्ता में फेंक के चला गया कि मरो तुम लोग, जोगी के लेके आना पड़ता है हावड़ा के क्षेत्र में कि ना जोगी जी आज जो सीएम है यूपी का, आज वो जा रहा है कोरोना बना के यहाँ पे, उसको भी तो कोरोना हुआ था, आज कोरोना फैला के बंगाल में हमारा हावड़ा क्षेत्र में फैला के शहर में फैला के चला गया। 600 साल पुराना शहर है हावड़ा, कोलकाता का भी पुराना है हावड़ा शहर, आज हमारा गर्व है कि हम हावड़ा में जन्म लिए हैं। और इस हावड़ा में आके जोगी जी जो तंडव मचा के गया है उनको यूपी में देखिए कि आदमी को फेंका जा रहा है नदी में, रिवर में फेंका जा रहा है, बॉडी जलाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। आज वो आके बंगाल को बोल रहे हैं कि डबल इंजन बनाओ, वहाँ पे तो डबल इंजन है यूपी बिहार में, कहीं नहीं कर पा रहे आप लोग। इन्होंने कहा कि एक नगरी सब पर भारी, आप बोलिए। हमारे साथ एक और है, उनसे भी बात करेंगे, बताइए। जी हाँ, एक नारी सब पे भारी तो पड़ गई है, ये तो आप लोग के सामने ही है, जितने भी देखने वाले हैं देख ही रहे हैं, नारी भारी पड़ी है। पर पहला बात ये है, जो मोदी जी ने जितना भी प्रस्ताव रखा, क्या एक भी काम करके दिखाया है? पहले आम जनता ये देखे, बोल दिया थाली ठोकने, बोल दिया दीपक जलाने, उससे कोरोना चला गया, दोबारा अटैक किया। भारत की जनता, आप बंदर ना बनो, इंसान बनो, और देखो वो कैसे राजनीति खेल रहा है, अपने इशारों पर सिर्फ नचाना जानता है, काम तो कुछ करना जानता नहीं है।
और रह गई दीदी के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने उंगली तो देखें वो कितने उठ रहे हैं उनके ऊपर, एक भी सवाल का वो जवाब दे दें। क्यों छुप गए हैं 2 मई के बाद? आइए आप सामने आइए, कहीं भी गैस सिलेंडर का आप साधन मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिल रहा। हम लोग छोटे छोटे कैंप में भाग में बांटा गया है, सब तरफ से हम लोग आप लोग के सपोर्ट में खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अपने भाई बाप माँ बहन सबको बचाने के लिए। आज सबसे पहले अपना जीवन है, ये जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर ये भारत कहाँ से रहेगा? आप ये बताएं, मोदी जो नारा लगा रहे थे अब वो नारेबाजी में कुछ भी दम नहीं है। क्यों? आप तो प्रधानमंत्री हो, आप तो हमारे देश का भविष्य थे, क्यों अंधेरे में डाल दिए? आप तो हमारे देश के लिए, मैं कल भी बोली थी आज भी बोलती हूँ, आप हमारे देश के लिए शुभ नहीं हो, आप हमारे देश के लिए अशुभ हो। अरे 15 लाख रुपए आपको नहीं मिला? 15 लाख रुपए मिलते तो कोरोना कहाँ से आता? हर माँ बाप अपने अपने बाल बच्चे का ट्रीटमेंट में लगाता, 1 रुपए भी नहीं मिले किसी को। तो अभी तो पीएम केयर फंड में बहुत पैसे हैं, आपको नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिले, मिलते तो फिर आवाज़ ही नहीं आती ना बाहर। इतने जो आम जनता पागल है, अगर आपको कुछ सुख सुविधा मिले तो वो उनके खिलाफ विरोध करे। और ये जो कहते थे 2 मई दीदी गई, तो वो तो रिजल्ट तो आप लोग के सामने है, 2 मई मोदी गया, कहाँ गया कोई ठीक नहीं है। फिर डिस्कवरी चैनल में घूम रहा होगा, क्योंकि कोरोना लग जाएगा ना उनको, आम जनता मरे और मैं सर्च करूँ, क्योंकि कभी तो जिंदगी में छोटे से लेकर बड़े हो गए कोई डिस्ट्रिक्ट तो घूमे नहीं थे, पद मिल गया तो उसका पूरा अपना पावर दिखा रहे हैं जगह जगह जाके। और ये जो 4 मंत्री जो अरेस्ट हुए, उन्होंने घोटाला किया, इसलिए घोटाला अगर करते तो वो शान से खड़े नहीं रहते। पहली बात तो ये, घोटाला किया आज याद आया है कोरोना के टाइम पे, इतने दिन कहाँ थे? पीएम बने तो 5 साल नहीं 10-10 साल हो गया, इतने दिन कहाँ थे? नहीं था उस टाइम जवाब किसी का, आज आया घोटाला उठाने इस कोरोना के टाइम पे, जब उनका ज़रूरत है इस देश को, जब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में उनको चाहिए उनका सपोर्ट उस टाइम में, जो ताकि मैं उसका 4 सेना उठा लूं, तो कमज़ोर पड़ जाएगा। पर मोदी जी नहीं, अब 4 उठाओ या 10 उठाओ, ममता दीदी की लाठी पे आवाज़ है और वो आप पे भारी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने बात सुनी इन लोगों की, और ये जो आज ऑफिस उद्घाटन हुआ उसके साथ साथ कुछ राजनीति की बात भी हुई, मोदी जी को रास्ता भी दिखाया गया और ये कहा गया कि एक नारी सफल भारी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर हम आपके साथ मिलेंगे।